दिल्ली में सरकार बनाने के लिए उपराज्यपाल को 12 दिन का वक्त मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को 11 नवंबर तक संभावनाएं तलाशने को कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अगर बाहरी समर्थन से अल्पमत सरकार बनती है तो उपराज्यपाल देखें। कोर्ट के मुताबिक भी पहले भी अल्पमत की सरकार बनी है। अदालत ने सभी पार्टियों से बातचीत की, एलजी की पहल का स्वागत किया है। इस मसले पर अब अगली सुनवाई 11 नवंबर को होगी। तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। अल्पमत सरकार संभव हो तो देखें, बीजेपी बनाएगी सरकार, ये सवाल इसलिए है क्योंकि अगर एलजी, जैसा कि उन्होंने पहले राष्ट्रपति से कहा था कि ऐसी खबरें आ रही थी कि बीजेपी को बुलाया जा सकता है, तो क्या बीजेपी अब आएगी, क्योंकि पहले हर्षवर्धन ने मना किया था। अब क्या करेंगे केजरीवाल, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे कि एलजी बीजेपी के एजेंट हैं। अब तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उनकी तारीफ भी कर दी और कहा कि अच्छी पहल है, अब क्या कहेंगे। खैर, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए एक एक चीज दिखाते हैं कि आज कोर्ट रूम में क्या हुआ। ध्यान से देखें कोर्ट रूम के अंदर आज का दिन। सबसे पहले पीएस नरसिम्हा, केंद्र के वकील, दिल्ली में उपराज्यपाल की तरफ से पहल की जा रही है। यह उन्होंने बताया क्या क्या पहल की जा रही है। प्रशांत भूषण, आपके वकील, कहते हैं हमें इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है कि आखिरी पहल उपराज्यपाल की तरफ से हो रही है, लेकिन हमें इसमें जल्द फैसला लिया जाए, अगर अल्पमत की सरकार बनती है तो उस पर भी जल्द फैसला हो। उपराज्यपाल की तरफ से सकारात्मक पहल हुई है, उपराज्यपाल ने सभी पार्टियों को बुलाया, ये जजेस का कहना था। दिल्ली में अल्पमत की सरकार बनने की आखिरी कोशिश उनकी तरफ से की जा रही है। हम उसे सही पहल मानते हैं, उन्हें समय देना चाहिए। अगर सरकार नहीं बनती है तो उपराज्यपाल राष्ट्रपति को इसकी सूचना देंगे, राष्ट्रपति आखिरी फैसला करेंगे। क्यों? क्योंकि यह भी खबर आ रही थी कि राष्ट्रपति ने, जब इन्होंने चिट्ठी लिखी एलजी साहब ने, तो राष्ट्रपति ने कहा कि पहले सभी दलों से बात करें क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में आम आदमी पार्टी के वकील प्रशांत भूषण ने अपना पक्ष रखा, केंद्र के वकील ने भी सरकार बनाने को लेकर बातें रखी। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात का नोट लिया कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने यह बात कही है कि जैसा राष्ट्रपति जी ने बताया है, एक सरकार बनाने की संभावनाओं को तलाश करना, टू एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज ऑफ गवर्नमेंट फॉर्मेशन, उस पर वो बाकी दलों को भी बुलाएंगे और उनसे चर्चा करेंगे। इस बात का कोर्ट ने संज्ञान लिया और कोर्ट ने कहा कि एक पॉजिटिव स्टेप है और इस मैटर की एक प्रिलिमिनरी सुनवाई हुई। हमारे भी जो ऑब्जेक्शंस थे मेंटेनेबिलिटी को लेके, नॉन जस्टिसिएबिलिटी को लेके, वो हम लोगों ने प्रिलिमिनरी तौर पे कहा और कोर्ट ने अब इसको फाइनल हियरिंग के लिए 11 नवंबर को लगाया है और तब तक बाकी जो पॉलिटिकल प्रोसेस या कंसल्टेशन का प्रोसेस है वो तब तक जो चलेगा, उसका क्या परिणाम होगा और जो भी होगा वो सब कोर्ट में 11 नवंबर को सुनवाई होगी। नहीं, कोर्ट ने, जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संज्ञान लिया कि माननीय उपराज्यपाल महोदय ने बात कही है कि वो तलाशेंगे पॉसिबिलिटीज गवर्नमेंट फॉर्मेशन की और बाकी पार्टियों को वो बुलाएंगे चर्चा के लिए, तो इसको एक पॉजिटिव स्टेप टर्म किया सुप्रीम कोर्ट ने। नहीं, आज सुनवाई शुरू होने पर कोर्ट ने ये रिमार्क किया कि आज अखबारों में कुछ ऐसा निकला है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई ऑल पार्टी मीटिंग कर रहे हैं, ये देखने के लिए कि भाई यहाँ किसी तरह से इस असेंबली में सरकार बन सकती है कि नहीं, और उनको एक आखिरी अपॉर्चुनिटी क्यों ना दे दी जाए। तो मैंने बोला कि देखिए, ये सिलसिला 8.5 महीने से चल रहा है और केस कम से कम 12 बार लगकर इसी आधार पर मुलतवी कराया जा चुका है कि भाई एक कोशिश करी जा रही है दिल्ली में सरकार बनाने की। मुझे इससे कोई आपत्ति नहीं है कि एक और कोशिश, आखिरी कोशिश कर लें, लेकिन ये कोशिश 4 दिन के अंदर हो जानी चाहिए और अगले हफ्ते तक इसका फैसला कोर्ट के सामने हो जाना चाहिए और उसके बाद इस आधार पर कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा सकती और उसके बाद फिर चुनाव होने चाहिए। देखिए, सीधी सीधी बात यह है कि दिल्ली में 12 दिन के वक्त है और 12 विकल्प है।
यहां पर ग्राफिक्स के जरिए 12 विकल्पों की हम बात करते हैं। जरा ध्यान से देखें, 12 दिन 12 विकल्प। दिल्ली में 3 निर्दलियों के समर्थन से बीजेपी अल्पमत की सरकार बनाए, विकल्प नंबर 1। और यहां पर यह फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3 निर्दलियों के समर्थन से। आंकड़ों की बात हो रही है, 29 आंकड़ा है अभी दिल्ली में बीजेपी के पास, 3 माइनस कर दीजिए उसमें से। 25 नवंबर के उपचुनाव तक इंतजार करने के लिए एलजी कोर्ट से सिफारिश करें, यह दूसरा है। 11 नवंबर और यह देखिए 25 नवंबर फिर से कोर्ट में जाना है 11 नवंबर को, लेकिन उससे पहले 14 दिन के बाद 25 नवंबर आती है। 25 दिन का मतलब यह होता है, 25 नवंबर का मतलब यह है कि 3 जगह पर बायपोल्स होने वाले हैं और तब तक इंतजार करने। एलजी ये बोले कि हाँ उसका भी इंतजार किया जा सकता है, जाहिर सी बात है। बीजेपी अल्पमत सरकार बनाए, कांग्रेस से टूटा धड़ा बाहर से समर्थन करे। अब ये गेम शुरू है, ये है पॉलिटिकल गेम। तीसरा विकल्प, कांग्रेस से टूटा धड़ा, इसको जरा ध्यान से देखें। ये कांग्रेस से कोई धड़ा टूटता है वो बाहर से समर्थन देता है। ये चीजें अवॉइड करने की कोशिश की जा रही थी, इसकी कोशिश चल भी रही है। बीजेपी को समर्थन देने के लिए कांग्रेस और आपके विधायक टूटकर गुट बनाए, कांग्रेस और आपके विधायक टूटकर गुट बनाए, ये एक पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी नंबर 4। अब यहां पर मामला होता है कि चीजें क्लीन नहीं है और इसके लिए बीजेपी नेता बोलते हैं हम बड़ा सीधे सीधे रखेंगे, क्लीन स्लेट रखना चाहते हैं। सीक्रेट बैलेट के जरिए विधानसभा में वोटिंग हो जिसमें हर विधायक अपने हिसाब से वोट करे। अब ये सीक्रेट बैलेट को समझें, सीक्रेट बैलेट का मतलब क्या है? बड़ा सीधे तौर पर सीक्रेट बैलेट के जरिए हो, कोई किसी को ना बताए, भले ही कितने भी विप जारी हो जाए कि आपको इसको वोट करना है, सीक्रेट बैलेट के जरिए वोट कर दिया, क्या पता आप या कांग्रेस के लोग वोट कर दें बीजेपी को, ये भी तो हो सकता है। खैर, विकल्प नंबर 6, बीजेपी सरकार बनाए और कांग्रेस या आपके कुछ विधायक वोटिंग के समय कार्रवाई में हिस्सा ना ले। बीजेपी सरकार बनाए, कांग्रेस या आपके कुछ विधायक वोटिंग के समय कार्रवाई में हिस्सा ना ले, यानी कि जो अभी तक शरद पवार साहब वहां से एनसीपी की बात हो रही थी महाराष्ट्र में, अगर आपको याद होगा ऐसा कुछ हो जाए, एनसीपी के ऐसे संकेत आ रहे थे कि वो भी ऐसा कर सकते हैं ये वो। खैर, आम आदमी पार्टी की सरकार बने जिसे कांग्रेस एक बार फिर बाहर से समर्थन दे। अब ये है 7वां विकल्प, क्या आम आदमी पार्टी ये चाहती है 49 दिन के बाद, क्या ये चाहती है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है, क्या कांग्रेस ये करना चाहती है, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है? 7वां विकल्प ये है, बहुत बड़ा सवाल। अब 8वां, केजरीवाल के बजाय कांग्रेस आपके किसी और नेता को सीएम के तौर पर पेश करने पर समर्थन को तैयार हो जाए, ये थोड़ा ध्यान से देखें। केजरीवाल के बजाय कांग्रेस आपके किसी और नेता को सीएम के तौर पर पेश करने को समर्थन को तैयार हो जाए। अब आपके किसी और नेता की अगर बात की जाए तो क्या केजरीवाल साहब इसके लिए तैयार होंगे? ये अपने आप में 8वें विकल्प के अंदर ही 4-5 विकल्प आ जाते हैं। खैर चलिए, इसलिए इस विकल्प को भी हटाते हैं, अब आ जाते हैं 9वें विकल्प पर। बीजेपी सरकार बनाए लेकिन बहुमत हासिल ना होने पर सरकार गिर जाए, इससे बीजेपी को सहानुभूति मिल सकती है। वाह, ये तो पूरा पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि सहानुभूति मिल सकती है। लेकिन ये सहानुभूति केजरीवाल साहब को नहीं मिली थी जब उनकी सरकार से वो हट गए थे। बीजेपी को रोकने के लिए आप कांग्रेस या किसी निर्दलीय को सरकार बनाने के लिए समर्थन देते, हाँ ये पॉलिटिक्स में हो सकता है क्या? बीजेपी अगर उनको लगता है कि बीजेपी फैक्टर बहुत स्ट्रांग है, तो 10वां विकल्प में इसमें भी 2 विकल्प ये है कि आप कांग्रेस या किसी और निर्दलीय को सरकार बनाने के लिए समर्थन देते कि नहीं नहीं आप बनाइए, क्या आप ये करना चाहेगी? वैसे आप तो सीधे सीधे एक झंडा गाड़ के बैठी है कि चुनाव 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 चुनाव, पॉलिटिकल रिलेवेंस के लिए उनके लिए जरूरी है। सरकार नहीं बनने की सूरत में एलजी राष्ट्रपति से चुनाव की सिफारिश करें, यह बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड विकल्प है। एलजी की मुलाकात होने जा रही है, एलजी सीधे सीधे राष्ट्रपति से बोले, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात बोली है कि अगर आपको कुछ भी होता दिखाई नहीं देता है तो आप राष्ट्रपति को बताएं, फिर राष्ट्रपति का कॉल होगा। 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आपकी याचिका पर मोहर लगाते हुए एलजी को तत्काल विधानसभा भंग करने का निर्देश दे दें, यह एक ऑप्शन है। जो 11वां और 12वां ऑप्शन हमने आपको दिखाया, ये 2 ऑप्शन को आप जरा गहराई से समझें कि सीधे सीधे वो बोल दे कि भाई यहां पे कुछ संभव नहीं है, लेकिन